वेलकम बैक दोस्तों। जून का महीना शुरू हो चुका है और आज से हमारे चैनल पे आपको अगले 5-6 दिन तक बेस्ट स्मार्टफोन वाली सीरीज वीडियो देखने को मिलने वाली है। और हम लोग ये वीडियो इसलिए लेकर के आते हैं आपके लिए ताकि आपको एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करने में आसानी हो। इस लिस्ट में हमने कुछ नए स्मार्टफोन को ऐड किया और कुछ एक स्मार्टफोन को बाहर का रास्ता दिखाया है। यहाँ पे मैं आपको जो भी स्मार्टफोन बताऊंगा आपको 15,000 की रेंज के अंदर ही मिल जाएंगे। सो इफ यू आर लुकिंग अंडर 15,000 रुपीज स्मार्टफोन, दिस वीडियो मे बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर, चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के गेमिंग स्मार्टफोन्स, जो कि इस लिस्ट में काफी महीनों से बना हुआ है एंड स्टिल ग्रेट परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट पोको X3। अगर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, नो एड्स वाला UI होना चाहिए, वहां पे रिलायबल कैमरास मिले, 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले हो, आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। काफी लोग इसके वेट और थिकनेस को लेकर के परेशान हो जाते, टेंशन में जाते, लेकिन भाई कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। यहाँ आपको एक बड़ी सी बैटरी भी तो प्रोवाइड की जा रही है, सो कॉमन सी बात है, वेट और थिकनेस तो ज्यादा हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस फोन इज क्रेजी फॉर गेमिंग। डिस्प्ले में 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। दिस डिवाइस इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट व्हिच ऑफर प्रीटी स्मूथ परफॉर्मेंस। इन टर्म्स ऑफ कैमरा, 64MP क्वाड कैमरा सेटअप मौजूद रहेगा विद अ रोबस्ट सूट ऑफ शूटिंग मोड्स, 6000mAh वाली इंसेन बैटरी लाइफ के साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा IR ब्लास्टर, IP53 सर्टिफिकेशन और डुअल स्टोरेज स्पीकर्स आइसिंग ऑन द केक का काम करने वाले। दोस्तों हाईली रिकमेंडेबल डिवाइस यदि आप गेमिंग करना चाहते हो इस प्राइस रेंज के अंदर या फिर ऑलरेडी गेमर हो। दूसरी पोजीशन पे एक नया मेहमान शामिल हुआ इस लिस्ट के अंदर। यदि आपको एक्सेलेंट डिस्प्ले चाहिए, टॉप क्लास परफॉर्मेंस होना चाहिए, वहाँ पे आपको स्लिक डिजाइन मिले और रिलायबल बैटरी लाइफ हो, आई रिकमेंड रेडमी नोट 10S जो कि अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। दोस्तों रेडमी नोट 9 सीरीज के कंपैरिजन में इस बार की सीरीज में काफी बेटर इवॉल्वमेंट देखने को मिला हुआ है। डिस्प्ले में 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला सपोर्ट है और इस लिस्ट के लिए ये वाला पहला ऐसा डिवाइस है जहां एमोलेड पैनल मौजूद है। 1100 यूनिट की पीक ब्राइटनेस साथ में ये डिवाइस आता है। HD स्ट्रीमिंग आप यहाँ पे कर पाओगे। एज पर द ऑप्टिक्स 64MP क्वाड कैमरा सेटअप है, 13MP की सेल्फी मिल जाती है ओवरऑल अच्छे कैमरा से एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 10। हार्डवेयर वाइज आपको मिलेगा हेलियो G95 एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर फॉर एनी टास्क सच एज गेमिंग मल्टीटास्किंग। इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ रेडमी इज नाउ ऑफरिंग 33W फास्ट चार्ज इन द बॉक्स और इस रेंज में इतनी फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी फिलहाल किसी के भी पास नहीं है। कंटेंट वॉचिंग करना पसंद है आप लोगों को, परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, आपको कैमरा बैटरी भी सॉलिड चाहिए, तो मैं बोलूंगा रेडमी नोट 10S आप जरूर ट्राई करना 15,000 की प्राइस रेंज के अंदर। रियलमी का जो डिवाइस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ लास्ट मंथ की लिस्ट में भी शामिल था और वाकई में वर्थ बाइंग है यदि आप 15,000 रुपए खर्च कर रहे हो। इतने में आपको इनसेन फास्ट चार्जिंग चाहिए और हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा आपको रियलमी नार्जो 20 प्रो। नार्जो सीरीज का सबसे पहला प्रो वेरिएंट था जो कि 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 4500mAh की बैटरी मिल रही है, जस्ट 38 मिनट्स में फुल हो जाती है बैटरी। ऑन द फ्रंट पैनल यू गेट 6.5 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विद 90Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सैम्पलिंग रेट, 480 पीक ब्राइटनेस, 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अंडर द हुड दिस डिवाइस इज पावर्ड बाय मीडियाटेक गेमिंग सेंट्रिक हेलियो G95 चिपसेट। आपको यहाँ पे 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। टू द फ्रंट यू गेट अ 16MP सेल्फी। बेहतर फास्ट चार्जिंग और हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले आपको अगर अपने फोन में चाहिए तो भाई रियलमी 7 की जगह आप रियलमी नार्जो 20 प्रो लोगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। 15,000 की रेंज में जो चौथा और आखिरी स्मार्टफोन है वो आता है मोटो की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले चाहिए, नियर डिस्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फोन में, रिलायबल बैटरी लाइफ मिल जाए, तो मैं बोलूंगा दोस्तों मोटो G40 फ्यूजन आप परचेस कर सकते हो जो कि अभी रिसेंटली मोटो G60 के साथ में लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। दिस इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर विच इज कैपेबल चिपसेट। इट इज आल्सो द बेस्ट गेमिंग चिपसेट इन द सेगमेंट। डिस्प्ले में 6.8 इंचेस की बड़ी सी फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी जहां पे 120Hz वाला रिफ्रेश रेट मिलने वाला है विद HDR10 सर्टिफिकेशन। इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ द डिवाइस आल्सो पैक्स इन अ मैसिव 6000mAh बैटरी विच शुड लास्ट अ कपल ऑफ डेज। हालांकि 20W का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया जा रहा है। नियर डिस्टॉक एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल रहेगा और सिक्योरिटी वाइज थिंग सिल प्रोटेक्शन मिलेगा सेम एस नॉक्स सिक्योरिटी। इन द कैमरा डिपार्टमेंट यू गेट अ 64MP ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड 16MP सेल्फी। दिस डिवाइस इज हाईली रिकमेंडेबल इफ यू वॉन्ट नियर डिस्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, बिग बैटरी, बिग डिस्प्ले,
एंड एवरीथिंग। तो दोस्तों ये थे ऐसे चार बेहतरीन स्मार्टफोन जिन्हें आप जून के महीने में परचेस कर सकते हो 15,000 की प्राइस रेंज के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको गेमिंग स्मार्टफोन भी बता दिया है, डिस्प्ले ओरिएंटेड डिवाइस भी शामिल है, इसके अलावा बैटरी ओरिएंटेड डिवाइस भी शामिल है। जो भी आपके रिक्वायरमेंट है दोस्तों, हर एक डिपार्टमेंट के स्मार्टफोन इस लिस्ट के अंदर हमने शामिल करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है डेली बेसिस पे। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।